मी सांगवन ब्लॉग्स सीते कुस्तान मिस वीडियो सब्सक्राइबी ते आमी कैनल टैम्बियन मी गुस्ता कंपातीर एक मांतोर मिस वीडियोस। तो गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी लेके आई हूँ। एंड आप सब बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हेयर्स के लिए कुछ अच्छा सा हमें बताइए, हमारे हेयर्स में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। एंड आप लोग मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोग पूछते भी हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो गाइस मैं अपने हेयर्स के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, सिंपल जो सब यूज़ करते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर मैं वही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ यूज़ करती नहीं हूँ। बट मैं आज जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो मैंने फ़र्स्ट अपने हेयर्स में ट्राई की है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो इफ़ेक्टिव है। वो कितनी इफ़ेक्टिव है वो आपको भी जैसे आप ट्राई करेंगे उसे यूज़ करेंगे वो आपको पता लगेगा कि वो रेमेडी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आज जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ वो टोटली जो हम वेस्ट कर देते हैं, जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, वो उससे बनने वाली है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आज हम यूज़ करेंगे सिबोला के पील्स, यानी कि सिबोला के छिलके जो होते हैं आप उसे फेंक देते हैं, बट आज मैं उसी से ही रेमेडी बनाऊँगी। तो जो ये सिबोला के पील्स होते हैं इसमें हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन डी मिलता है। सिबोला पील्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड यस गाइस, सिबोला पील्स के अंदर हमें अधिक, बहुत ही अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो कि हमारे हेयर्स वाइट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो आपके हेयर्स को वाइट होने नहीं देगा। तो आज की रेमेडी से आपके जो भी टोटल हेयर्स की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है, जैसे कि आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज हो रहे हैं, हेयर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही बेकार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, और आपके स्कल्स में यहाँ पे खुजली होती है, इचिंग होती है, वो सारी चीज़ों का जोर सॉल्व सॉल्यूशन सब इसी रेमेडी के अंदर है। आपको इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस ये आपको फ़ायदा ही देगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने ये पर्सनली यूज़ किया और मैंने अपने फर्स्ट वॉश में ही इसका इफ़ेक्ट देखा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड गाइज आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं वन वीक के लिए, एंड आप इसे वीक में 3 times यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है इसे बनाना एंड इसे अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको बनाते कैसे हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड मैंने आपके लिए अभी बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके स्किन के लिए, आपके फेस के लिए एक रेमेडी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक छोड़ देती हूँ, आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको सिंगल वन यूज़ पे ही उसका इफेक्ट दिखाई दे जाएगा। आपकी जितनी भी डेड स्किन है, ब्लैक स्किन है, जितने भी आपके फेस पे रिंकल्स हैं, आपके ओपन पोर्स हैं, सब चीज़ के लिए वो अफेक्ट करेगा। तो गाइज गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड अप्लाई ऑन योर फेस, इट्स वेरी इफेक्टिव, रियली इट्स वेरी इफेक्टिव। तो फिर आप चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।
देखा मैंने कैसे इस रेमेडी को बनाया एंड अपने हेयर्स में कैसे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप हाफ एन आवर के बाद अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल अपने शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू से एंड कंडीशनर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा आपको फर्स्ट वॉश में ही, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसने इफेक्ट किया या नहीं किया, आपको ये रेमेडी समझ आई कि नहीं आई, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाय।